देश में आसमान छू रहे पेट्रोल व डीजल के दामों व शिक्षक भर्ती घोटाला के विरोध में हापुड़ के कांग्रेस जनों ने गुरुवार को नगर पालिका परिषद में धरना स्थल पर पहुंचकर उपवास रखा। कांग्रेस जनों ने केंद्र व प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और सरकार को किसान मजदूर व व्यापारी विरोधी सरकार बताया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर हापुड़ में कांग्रेस जनों ने एक जुलूस भी निकाला। नहीं चलेगी मजदूर विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मजदूर विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी व्यापारी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी व्यापारी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी डीजल पेट्रोल के दाम कम करो कम करो डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक गजराज सिंह ने कहा कि डीजल व पेट्रोल के दामों में वृद्धि ने व्यापारी व किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। लॉकडाउन के कारण लोग पहले ही परेशान हैं। आज मौजूदा हुकूमत के अंदर कच्चे तेल के दाम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, उसके चौथाई कहिएगा 25-30 रुपए के हिसाब में आ गए हैं, तो तेल और बहुत सस्ता होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तेल के दाम इतने ज़बरदस्त बढ़ाए हैं कि गरीब की किसान की मजदूर की व्यापारी की कमर तोड़ने का काम किया है। सरकार का तकरीबन 50 रुपए टैक्स है इसमें, सरकार ने टैक्स पर टैक्स बढ़ाया है, क्या ज़रूरत थी टैक्स बढ़ाने की इस महामारी के अंदर, जहां व्यापारी भी किसान भी मजदूर भी तमाम लोग दुखी हैं त्रस्त हैं। बाजार नहीं खुल 3 महीने होने जा रहे हैं, हापुड़ का बाजार नहीं खुल पाया है, बिलखुए के बाजार में दिक्कत आ रही है बहन बेटियों को या उन लोगों को जिनके यहाँ शादी ब्याह की आवश्यकताएं की जो वस्तुएं उन्हें खरीदनी थी वो दूसरे जिलों में जा कर के परचेज कर रहे हैं। ऐसे समय में मौजूदा हुकूमत का पिछले 15 दिन से बराबर तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, ये निंदनीय है।